दोस्तों 2023 में पीएफ के रिजेक्शंस के अंदर में एक बहुत बड़ा रीजन ये है, जब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आपकी कंपनी सस्पेक्टेड है एबीआरवाई स्कीम के अंदर में, इसलिए हम वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका क्लेम पास करेंगे। ये एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है और इसको मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। चाहे आपका ये अपना एरर हो या आप पीएफ का काम करते हो, तो इस एरर को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस वीडियो को आप कहीं और किसी चैनल पे नहीं देखोगे। तो यहाँ मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ये है कि चाहे आप 19 भरो चाहे आप 31 भरो, आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सस्पेक्टेड है अंडर एबीआरवाई स्कीम और हम वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका क्लेम पास करेंगे। तो क्या है ये पूरी स्कीम, पहले आपको ये समझना होगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में ही आपको समझा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ देखो एबीआरवाई मतलब क्या हो गया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये योजना कब लगाई गई थी, ये योजना लाई गई थी 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 में। तो इस स्कीम में बाद में इस 30 जून को बढ़ा के 31 मार्च किया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के टाइम पे एक समय सीमा रखी गई थी कि इस समय सीमा के अंदर में अगर कोई कंपनी जो छोटी कंपनी हो जिसके 1000 से कम कर्मचारी हो, तो अगर वो हमारे इस स्कीम में रजिस्टर्ड करती है खुद को, तो हम कंपनी का जो 12% होता है और साथ में ही जो कर्मचारी है उसका 12% होता है, ये दोनों 12-12% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लो कर्मचारी की 10,000 तनख्वाह है, तो पहले उसको 1200 रुपये पीएफ में उसके कट जाते थे और उसको बचा हुआ 8800 रुपये मिलता था। अगर कंपनी इस स्कीम में रजिस्टर्ड होगी तो उसको पूरा का पूरा 10,000 रुपये मिलेगा और ये जो 1200 रुपये है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से इसके अंदर जमा करने वाली थी। ना केवल कर्मचारी का पैसा बल्कि कंपनी का जो 12% कंपनी को अपनी जेब से देना होता है वो भी पीएफ ऑफिस की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपके अकाउंट में जमा किया जाता। आप समझ गए कि लोगों ने या कंपनियों ने किस तरह से इस स्कीम के अंदर में खुद को रजिस्टर्ड किया था। अगर मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है, कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा ले रही हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ 24% वेजेस के बारे में बात किया जा रहा है, 12% कंपनी और 12% एम्प्लॉय का 24%। और यहाँ पे आंकड़ा बताया जा रहा है कि कितने कितने लोग हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया है। तो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है 31 दिसंबर 2022 तक इसके अंदर जो बेनिफिट दिया गया है वो 8,187 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया गया है, जिसके अंदर में 60 लाख लोगों ने फायदा लिया है। अब ये 60 लाख लोग क्या हैं, 60 लाख लोग मतलब 60 लाख यूएएन नंबर हैं। तो ये जो यूएएन नंबर, ऐसे यूएएन नंबर जिन्होंने वो 12% वाला फायदा लिया है, वो उनकी गिनती 60 लाख है। टोटल यूएएन नंबर कितने हैं, करीब 7 करोड़ है। तो 7 करोड़ में से 60 लाख करीब लोगों ने इस स्कीम का फायदा लिया है। कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो इस स्कीम में रजिस्टर्ड हुई हैं, तो 1,51,000 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इस स्कीम का फायदा लिया है। तो ये समझना जरूरी है एरर को समझने के लिए। तो अब ये समझो कि जो ये एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने इस स्कीम के अंदर में खुद को रजिस्टर्ड किया और अपना और कर्मचारी का शेयर लिया है, तो पीएफ ऑफिस का कहना है कि इस 1,51,000 में से कुछ हजार जो एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनको इनका फायदा नहीं लेना चाहिए था, जिनको ये 24% वाला फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से अपने गलत कर्मचारियों को दिखा के इस स्कीम का फ़ायदा लिया है। और ऐसा करने की वजह से इन कंपनियों, इन कुछ एस्टेब्लिशमेंट, सारे एस्टेब्लिशमेंट नहीं, 1,51,000 एस्टेब्लिशमेंट नहीं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट जो कि 1,000 में हो सकते हैं, 2,000 में हो सकते हैं, 5,000 में हो सकते हैं, तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में जांच बिठाई गई है। और जांच किस तरह की जांच है, जांच ये है कि जो आपने हमसे बेनिफिट लिया था क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ये जांच जो अगर हो रही है तो इसके लिए आपको नहीं पता है कि ये जांच कब पूरी होगी। अगर ये जांच हो रही है तो क्या कंपनी वाकई उसके लिए एलिजिबल थी। तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है ये कह के कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है एबीआरवाई स्कीम के अंदर में सस्पेक्टेड है, अगर आपको ये कहा जा रहा है एबीआरवाई स्कीम के अंदर में सस्पेक्टेड है, मतलब इस 1,51,000 कंपनियों में से आपकी कंपनी को फर्जी माना जा रहा है कि उन्होंने इस स्कीम का गलत फ़ायदा उठाया है,
तो जब तक इस स्कीम के अंदर में जांच कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप यूएन नंबर उस कंपनी के अंदर, क्योंकि आपका यूएन नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको पैसे निकालने नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि मान लो आपने अगर पैसा निकाल ही लिया 12% 12% और बाद में पता लगा कि आपकी कंपनी को ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था तो क्या होगा? तो क्या आपको ढूंढ के आपसे पैसा वापस लिया जाएगा? इसी वजह से आपके अकाउंट से इस तरह से पीएफ विड्रॉ करने को रोका जा रहा है। और आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये कब तक ठीक होगा, जब तक आपके एस्टेब्लिशमेंट की जांच नहीं होगी, जब तक उसको क्लियर सारी कुछ क्लियर नहीं होगा तब तक आपका यूएन में से आप एक रुपए भी नहीं निकाल सकते हो। चाहे आप एक बार फॉर्म भर दो, चाहे आप 50 बार फॉर्म भर दो, चाहे आप पीएफ ऑफिस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका वो पैसा नहीं निकलेगा। और ये आपको कैसे पता लगेगा कि जांच पूरी हो गई? ये आपकी कंपनी में ही पता लगेगा, जिस कंपनी में आपने नौकरी करी है, किस समय के दौरान नौकरी करी है। यहाँ मैं आपको टाइम पीरियड दिखा रहा हूँ, यहाँ जो टाइम पीरियड है यहाँ पे एक टाइम पीरियड 31 मार्च 2020 लिखा है। और ये जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत जो है आपको मैंने जैसे कि शुरुआत में वीडियो में दिखाया था, मैं वापस से आपको ले चलता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली स्कीम जो है वो 1 मार्च 2020 में शुरू हुई। तो अगर आपने 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 में नौकरी की है और इस दौरान में जिस कंपनी में आपने नौकरी करी है उस कंपनी ने ABRY के अंदर खुद को रजिस्टर्ड किया ताकि वो 12% आपका भी बचा सके और 12% अपना भी बचा सके, और इस संस्था के ऊपर जांच अगर चालू है तो आप चाहे अब अपना एडवांस निकालने की कोशिश करिए या फाइनल सेटलमेंट निकालने की कोशिश करिए, आपका इसी तरह से रिजेक्ट होगा। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ ये पूरी जांच करके पूरे तथ्यों के साथ आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से सेम बात कही गई है। क्या बात कही गई है? यहाँ कहा गया है लिस्ट में सस्पेक्टेड लिस्ट के अंदर आपकी कंपनी आ रही है जिसने मिसयूज़ किया है ABRY बेनिफिट का, वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम आपका क्लेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये समझ आ रहा है? आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि ये अप्रैल है और यहाँ जुलाई के अंदर एक क्लेम सेटल हुआ है, तो ये क्लेम जो है ना गलती से सेटल हो गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो समझ आई है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कोई भी नहीं है। आपकी कंपनी की जब जांच पूरी होगी, कंपनी को जब क्लियर कर दिया जाएगा कि हाँ भाई आपकी जांच कंप्लीट हो गई, आप बिल्कुल इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो ही आप अपना पीएफ निकाल सकते हैं। जब तक जांच क्लियर नहीं होगी तब तक आप पीएफ नहीं निकाल पाओगे। एक चीज समझना कि जो मैं आपको यहाँ वीडियो दे रहा हूँ ये जानकारी बिल्कुल एक यूनिक जानकारी है, इसके लिए मुझे मेहनत, टाइम और बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो आपको ये जो जानकारी मिली है इसमें आप थैंक यू के तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे लगे कि मैंने आपके लिए अच्छा किया, तो बदले में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बड़ा करने में मेरी हेल्प की है।